ईद की छुट्टी होने की वजह से देखो कितना क्राउड आया हुआ है, पूरा बीच मतलब भरा हुआ है, बीच है, ब्लो होल का एरिया है, पूरा भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा क्राउड है आज। कुछ लोग काइट्स भी लेके आए अपने सारे, ट्राई कर रहे हैं काइट, मतलब अच्छा स्पॉट है, पूरा शाम आप स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे, बच्चे खेल सकते हैं, खाने के लिए अवेलेबल है चीज़ें, चाय अवेलेबल है, बट चाय तो अच्छी नहीं थी, फिर भी कुछ नहीं से कुछ तो सही तो ओके ओके है। और इधर ब्लो होल के पास देखो कितनी भीड़ है, लोग जमा हुए हैं वहाँ पे, कम से कम 200 लोग तो होंगे उस तरफ ब्लो होल के पास। So much water is coming now. Come this side. This one is big. This side. Come this side. Sorry. Wait. It's okay. This hole is making so much of noise. ये वाले में सिर्फ आवाज आ रही है। जोन गुड मैन, वी ऑल एक्सपीरियंस दिस। I guess it only happens in August. Come that side of it. Come here. Wait. Okay, you wait there. What are you doing? Babu hai. I'm going to go to the hospital.
लेट्स गो। वेयर इज माय ग्लासेस? यस विल गो नाउ। ओके यू वांट मोर? बट योर ड्रेस इज गेटिंग वेट। इधर आ जाओ, गीला कीचड़ मत जाओ। मामा विल गेट एंग्री। आ जाओ चलो। कम। ओके मम्मा के पास जाते हैं पहले। सो तीन दो होल्स हैं जो कवर्ड किए गए हैं। एक में से वाटर आ रहा है, एक में से नॉइस आ रही है, एक में से नॉइस एंड वाटर दोनों आ रहा है। और अफशिन काफ़ी इंजॉय कर रही थी। अफशिन को चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए आपको। पर आप तो ऑलरेडी गीले हो गए, मम्मा गुस्सा करेगी अभी। देखो यू वॉन्ट टू गो अगेन देयर? कम विल गो। अफशिन वॉन्ट्स टू प्ले विद वाटर। See, water will come now. Finish ho gaya usse water. इस साइड रुको, वाटर आएगा पीछे से। This one is only making noise, not much. Let's go now then. Not done. चलो आ जाओ और वाटर। सो भाई कैसा लगा तुमको ये ब्लो होल्स? बस कुछ और नहीं कहना चाहोगी इसके बारे में? ये मतलब यहाँ पे जो वेव्स आ रही है वो नेचुरल है और फुल टाइट के साथ आ रही हैं। जैसे यूएई वगैरह में क्या होता है, ब्लॉक कर देते हैं वहाँ पे, तो उस वजह से वेव फुल स्पीड में नहीं आ पाती है।
बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जिस वजह से वेव्स फुल स्पीड में आ रही हैं। तो नीचे माउंटेन बने हुए हैं, बेसिकली चट्टाने हैं, चट्टानों के नीचे से होल हैं। सो माउंटेन के नीचे जो होल फॉर्म हो गए हैं, उन होल में से वाटर भी आ रहा है और एयर प्रेशर है, तो एयर प्रेशर के साथ आवाज़ आ रही है, तो वो एयर की आवाज़ें जो ऊपर आती है एंड उसी के साथ वाटर भी फ्लो होके होल से ऊपर की साइड आ जाता है। सो विनेश, क्या लगता है तुमको, क्या फंडा है ये ब्लो होल्स का, किस वजह से ये पानी ऊपर आता है और ये साउंड सुनाई देता है? ऐसी नीचे थोड़ी हॉलो जगह रहेगी और वो पानी ऊपर तक आ जाता होगा नीचे से, इसलिए उन लोगों ने भी ऊपर वो जाली लगा के रखे ताकि वो जब पानी आ रहा तो लोग एंजॉय करो। सिंपल एक्चुअली वही जो मैंने बताया ना पहले आप लोगों को, माउंटेन है, माउंटेन के नीचे से होल्स हैं, होल बने हुए हैं, तो पानी वहाँ से आ रहा है स्पीड में, तो वॉइस क्रिएट कर रहा है और साथ ही प्रेशर से आ रहा है, तो पानी भी ऊपर आ रहा है। फैमिली के साथ आ रहे हो, वहाँ पीछे बैठने के लिए हट वगैरह भी बनी हुई है, तो हट में बैठ के कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे हो, तो वो सब खा के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो वहाँ पे। ठीक उस तरफ है मुक्सेल बीच, तो मुक्सेल बीच पे जाके ठंडी हवाओं का मज़ा ले सकते हो। मुक्सेल बीच और ब्लो होल साथ में है, बट मैक्सिमम पब्लिक जो जा रही है ब्लो होल्स की तरफ जा रही है, मुक्सेल बीच के पास बहुत ही कम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली बीच के पास करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है, अगर बोटिंग वगैरह या स्पीड बोट जेट स्की वगैरह होती ना तो मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग बीच की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। बट टाइड्स जो हैं वो बहुत ही हाई टाइड्स हैं, तो बोट स्पीड बोट वगैरह सर्वाइव कर पाती, चलाना कितना आसान या डिफ़िकल्ट होता, मेरे ख्याल से डिफिकल्ट है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। और बीच भी इतना अच्छा डेवलप नहीं किया है, मतलब बीच नॉर्मल बीच की तरह बना के छोड़ दिया है। ये लाइन से शॉप भी है स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, खाने के लिए भुट्टे कॉर्न, भुट्टे फ्राई हो रहे हैं, स्वीट कॉर्न वगैरह हैं, तो वो सब भी ले सकते हैं। विनेश कह रही थी स्वीट कॉर्न के लिए, देखता हूँ पूछता हूँ मन है क्या उसका। सो बीच के पास ही पार्क बनाया हुआ है, पार्क डेवलप किया गया है, वहाँ पर उस तरफ देख लो पार्क डेवलप किया गया है, तो जिनको पार्क में इंटरेस्ट है वो पार्क के पास जाके आराम कर सकते हैं या जो कुछ करना चाहें बैठ के वहाँ पे अपना सीटिंग वगैरह लगा के नाश्ता पानी टेंट वगैरह लगा के बैठ सकते हैं। और अगर लंच वगैरह करना है या कॉफ़ी वगैरह पीनी है तो पास ही एक रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है, तो इस रेस्टोरेंट में जाके खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोग तो ट्राई नहीं कर रहे हैं, एज अरेबिक फूड है तो हम लोगों को चाहिए इंडियन या चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाना है अभी फिलहाल, तो हम लोग सिटी तरफ निकल रहे हैं क्योंकि अभी सारे स्पॉट्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं जो भी हमारे थे, तो अभी नेक्स्ट स्टॉप जो हम लेने वाले हैं वो सिटी की तरफ लेने वाले हैं और वहाँ पे अभी करते हैं अपना लंच, उसके बाद फिर सलाला का जो ओल्ड सूक मार्केट है वहाँ पे जाएंगे, तो उसे एक्सप्लोर कर लेते हैं, ऐसे कल नहीं कर पाए थे, बस वही लास्ट रहेगा, उसके बाद रूम चले आएंगे आराम करेंगे, ऐसे कल सुबह में जल्दी निकलना है, पैकिंग वगैरह करनी है। क्या हो बिजनेस, कॉर्न का बोल रहे थे, स्वीट कॉर्न खाना है, क्यों क्या हो गया, खाना ले लो, क्यों हम तो बोले थे जाते वक्त ट्राई करना है, क्या हो गया, थक गए क्या, थक गए विनेश, विनेश कबीर को संभाल रही है, कभी कभी वो बोलता है कि मुझे गोदी लेके चलो पैदल नहीं चलना है, बट बेचारा पूरा चल के गया है और चल के आया और चल भी रहा है, देखो कबीर हाय छोटू सा बेबी, और ये अफशू भी, अफशू भी पूरा वॉक करके गई है एंड वॉक करके आई है, बट अफशू बहुत ज़िद्दी हो गई है आजकल, है ना अफशू, हाँ क्यों इतनी ज़िद्द करती हो, सुनती नहीं हो बात, हाँ अबू की बात क्यों नहीं सुनती हो, हाँ अफशू सुनोगी अबू की बात, अच्छी बच्ची हो ना तो रोया मत करो ना, रोती क्यों, अबू सब बात तो सुनते हैं आपकी, जो भी मांगते हो सब दिलाते हैं, फिर भी रोते रहती हो, ठीक है ठीक है, चलो फिर बढ़ रहे हैं अभी आगे हम लोग अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है सलाला सूक, उसके पहले करेंगे लंच। Don't forget about me and all the things I could give to you baby, but I guess you can't see making new memories with me.
कार में चाय पीने का मजा ही अलग है सच में। बोल क्या बोले?